हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मैं रमजान है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक सब्सक्रिप्शंस कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो लेट्स सी क्या मैसेजेस है आप लोगों के लिए। ओके, आई एम हियरिंग कि आपने एक लीप ऑफ फेथ लिया है, ठीक है। प्रॉब्ली बिकॉज या दिसिंग कि आप किसी नार्सिसिस्टिक फैमिली डायनामिक में थे एंड ये लोग स्क्रेप बोट कर रहे थे आपको, लाइक वो द ब्लैक शिप ऑफ द फैमिली। और आपके वहाँ से हट जाने के बाद इस नार्सिसिस्ट की असली चेहरा सबके सामने आ रहा है। या दैट्स व्हाट इट हैपेंस, राइट। देखो, जब तक एक इम्पैक्ट नार्सिसिस्टिक डायनामिक फैमिली डायनामिक में रहते हैं, ठीक है, एक नार्सिसिस्ट क्या करता है, अपनी सारी टॉक्सिसिटी अपने स्क्रेप गोट के ऊपर, इम्पैक्ट के ऊपर प्रोजेक्ट कर देता है और सबकी नज़र इम्पैक्ट पे रहता है। सबको लगता है कि इम्पैक्ट में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। पर जब कोई जब इम्पैक्ट छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, उस डायनामिक को, तो इस नार्सिसिस्ट के पास या इन नार्सिसिस्ट लोगों के पास और कोई है नहीं जिसके ऊपर वो डस्टबिन की तरह अपना टॉक्सिसिटी को डंप करे, अपनी गलतियों को थोपे, राइट, किसी के ऊपर ब्लेम करे, ठीक है। तो सारी जो एनर्जीज है वो चारों दिशाओं में दौड़ना स्टार्ट कर देता है और इन लोगों की या इस पर्टिकुलर एक पर्सन की, ठीक है, जो असलियत है वो अब बाहर आने लग जाता है। उसे अब एक नए सप्लाई की ज़रूरत है, एक नए इम्पैक्ट की ज़रूरत है, एक नए स्क्रेप बोर्ड की ज़रूरत है जिसके ऊपर वो प्रोजेक्ट करे, ठीक है। एंड लोग जब वो ऐसे ढूंढना स्टार्ट करते हैं ना, दूसरे के ऊपर प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं ना, तब लोगों को रियलाइज़ होता है कि ओ माई गॉड, आप जो बातें कह रहे थे वो सही था, कि ये पर्सन लिटरली चूगिरी करके अपने सारे इल्ज़ाम यू नो मेरे ऊपर डाल दे रहे थे एंड मुझे ऐसी चीज़ों के लिए सज़ा दी जा रही थी जो जिसके बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं था, क्योंकि यही बिहेवियर अब वो दूसरों के साथ भी कर रहे थे। उन्हीं लोगों के साथ वो करना स्टार्ट कर देते हैं जो आप पर उंगली उठा रहे थे इस नार्सिसिस्ट की बात सुनकर। ये उनके मिनियंस ये इनेबलर्स जो कहीं ना कहीं इस नार्सिसिस्ट के बिहेवियर को बढ़ावा दे देते थे, इनेबल कर देते थे एंड आप पर ही सारी उंगली उठाते थे, आप कोई बुरा कहते थे, आप उनके साथ भी वही बिहेवियर यू नो प्रैक्टिस किया जा रहा है जो आप काफ़ी सालों से झेल रहे थे। सो दैट वाज अ वेरी गुड डिसीजन जो आपने लीप ऑफ फेथ लिया। आई नो ये सिर्फ स्क्रेप गोट सी इम्पैक्ट सी समझ सकते हैं जो विक्टिम्स होते हैं नार्सिसिस्टिक फैमिली डायनामिक के, कि उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकलना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि एक नार्सिसिस्ट जो है वो चारों तरफ से आपको हर चीज़ से आपको अबैंडन कर देता है। वो नहीं चाहेंगे कि आप लोगों से मिलो, उठो बैठो, जहाँ पर भी उन्हें थोड़ा सा भी ऐसा लगेगा कि लोग आपसे बात कर रहे हैं, आपकी समझ बढ़ रही है, ठीक है, एडुकेशन हो गया, वो आपको एडुकेशन की तरफ एक्सेस नहीं देना चाहते क्योंकि वो नहीं चाहते कि आप उनसे ज़्यादा एडुकेटेड हो जाओ या आपको दुनियादारी समझ में आ जाए। वो आपको लिटरली अपने साथ कोडिपेंडेंट रखना चाहते, बंदिश में रखना चाहते, राइट। वो नहीं चाहेंगे कि आप ज़्यादा एडुकेटेड हो, आपका करियर बने, आप अपने पैरों पर खड़े हो, ठीक है। वो आपके पर्सनल लाइफ को कंट्रोल करना चाहेंगे, वो आपके कपड़ों को, आपके खाने को, हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे और उनका जो टॉक्सिक बिहेवियर्स होते हैं, ओ माय गॉड, आपको अबैंडन करना, साइलेंट ट्रीटमेंट देना, सबको आपके खिलाफ कर देना, सब मिल करके आपके साथ, एक तो आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, ठीक है, ऊपर से सबका आपको ही ब्लेम करना, आपके साथ बदतमीजी करना, ठीक है, सबको उकसाना कि मैं इसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा हूँ तो सब मिलकर के इसके साथ बुरा व्यवहार करो क्योंकि मैंने कहा है, तो सब मिलकर के आपके साथ मिसबिहेव करना स्टार्ट कर देते। सो इट्स नॉट वन पर्सन, अब ये बहुत सारे लोग एक साथ आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, अब्यूज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग, कुछ जो उनके जो मिनियंस होते हैं वो उनकी तरह ही
एसोल्स होते हैं, नार्सिसिस्ट की तरह ही एसोल्स होते हैं, उनकी तरह ही टॉक्सिक होते हैं. सो वो लिटरली आपको अब्यूज़ करेंगे, एक्टिवली आपको अब्यूज़ करेंगे, आपको हैरेस करेंगे, आपको टॉर्चर करेंगे. ठीक है, जो बिहेवियर नार्सिसिस्ट ने किया है उसी चीज़ को वो आपके साथ दोहराएंगे. सो इट विल, इट्स नेवर ईजी ऐसे नार्सिसिस्टिक डायनामिक से अपने आप को बाहर निकालना. ठीक है, और अपने लिए एक सेफ्टी, एक हेल्दी जोन को ढूंढना, बट वो नामुमकिन भी नहीं होता है. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट. ठीक है, कि ऐसे चारों तरफ से जब आप घिर जाते हो तो अपने आप को बाहर निकालना थोड़ा सा टफ होता है. सो आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने वो लीप ऑफ फेथ लिया है, एंड विद दैट मास्टर कार्ड टेल्स मी कि यू आर एन इवॉल्व्ड सोल. ठीक है, तो एक इम्पैक्ट जिसकी अवेकनिंग हो गई है ना, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग राइट नाउ. ठीक है ना, इट्स लाइक उनके वहाँ से, इट्स लाइक आपको हमेशा से पता था कि आप इनकी तरह नहीं हो और बिल्कुल भी आप इनकी तरह नहीं बनना चाहते. इनके बिहेवियर, इनकी जो बिलीफ सिस्टम है या उनका थॉट प्रोसेस है बहुत ही टॉक्सिक है. ये तरीके ढूंढते हैं कि समहाउ अपनी टॉक्सिसिटी को जस्टिफाई करें. ठीक है, एंड आप बिल्कुल भी इनकी तरह नहीं बनना चाहते थे, आप उनकी तरह हो भी नहीं. एंड वहाँ से बाहर निकलने के बाद जब उनका वो टॉक्सिक ऑरल आपके ऊपर से हटा, बिकॉज वो लिटरली अपनी टॉक्सिसिटी आपके ऊपर प्रोजेक्ट कर रहे थे, राइट, वो अपनी सारी नेगेटिविटी आपके तरफ डायरेक्ट कर देते थे, एंड आपकी जो डिविनिटी है, आपकी जो ऑथेंटिसिटी है, वो उसको दबाते थे, आपसे एनर्जी छीन लेते थे. तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को फुल पोटेंशियल में नहीं देख पाते थे. इट्स लाइक आपको पता है कि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आप में बहुत सारे पोटेंशियल है, आप कई बार बहुत सी चीज़ें करना चाहते थे पर नहीं कर पाते थे क्योंकि वो आपको सप्रेस कर रहे थे. पर जब आप उस पिंजरे से बाहर निकल जाते हो और अपना उड़ान भरते हो, आपका ऑर्डर क्लीन होना स्टार्ट हो जाता है, आप हील होना स्टार्ट करते हो, एंड उनका वो टॉक्सिक वाइब आपके ऊपर से जब हट जाते हैं और आपकी आपका रियल सेल्फ बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, यू रियलाइज दैट यू आर एन इवॉल्व सोल. कि आपकी अवेकनिंग हुई है, कि आपके सामने एक पूरी जिंदगी पड़ी हुई है जिसे आप हर सेकेंड इन्जॉय कर सकते हो. ठीक है, प्रॉब्ली इन लोगों ने आपको मारने की धमकी दी होगी, हमेशा मौत की धमकी दी होगी, टू द पॉइंट मौत के ऊपर से आपकी यू नो डरी ख़त्म हो गया. ठीक है, यू रियलाइज दैट यू आर एन इवॉल्व सोल, यू आर वेरी स्पिरिचुअल. ठीक है, वेरी अलाइंड, बहुत विजडम है आप में. ठीक है, आप में से कुछ लोग काउंसलर्स हो सकते हो, लाइक आपने खुद नार्सिसिज्म को एक्सपीरियंस किया है, स्टडी किया है, आप अब दूसरे लोगों को हेल्प कर रहे हो जिन्हें आपकी ज़रूरत है. ठीक है, यू आर हेल्पिंग पीपल कम आउट ऑफ देयर ट्रॉमास. ठीक है, यू माइट बी अ हीलर, अ डॉक्टर, काउंसलर, बट देर इज ऑल्सो एन एलिमेंट कि ये हूवरिंग करते हैं, नार्सिसिस्ट हूवरिंग है कि वो आपका पीछा करेंगे, आपको घेर के वापस अपने वो जोन में लेकर के जाने की कोशिश करते हैं, राइट. ये चाहते हैं बार बार करके कि आप उस पुराने पेन में लौटो. ठीक है, ताकि समहाउ उन्हें एक मौका मिल सके कि वो दोबारा आपके भीतर घूम डाल सके. बट डिवाइन इज़ लाइक ना, ऐसा नहीं होगा. इट्स लाइक वंस यू गो नो कॉन्टैक्ट, उस नो कॉन्टैक्ट को ब्रेक करना ही नहीं है, यू जस्ट ब्लॉक दैट पर्सन. दुनिया का हर स्पेशलिस्ट आपको यही कहेगा सबसे पहले कि उसको ब्लॉक करो, और ब्लॉक से उन्हें कभी हटाना ही मत, वो परमानेंट है, गॉन. ठीक है, इनफैक्ट कई बार आप नार्सिसिस्ट के साथ साथ उनके मिनियंस, उनके आसपास के लोग, आपके आसपास के लोग जो उन्हें जानते हैं, आपको सबको ब्लॉक करना होता है ताकि किसी तरीके का तरीके से वो आपको डिस्टर्ब ना कर सके, आपके एनर्जी तक वो एक्सेस ना पा सके, वो आपको लोकेट ना कर सके, आपको परेशान ना कर सके. कई बार तो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर्स भी जारी करना पड़ता है बिकॉज दीज पीपल आर सो फकिंग क्रेजी. कि आप अपना फ्री विल प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो करना चाहते हो जो आपके साथ अलाइन है, आपका दिल कहता है, जो इंसानियत से कनेक्टेड है,
चीज़ें जो हेल्दी है आप करना चाहते हो, ये लोग आपको ज़बरदस्ती आपको हर्ट करके भी वो आपको करने नहीं देंगे, और इसके लिए वो अपनी मर्ज़ी को आपके ऊपर थोपने के लिए कई बार वो आपको जान से मारने की धमकियाँ भी देते हैं। दे डू दैट ठीक है। दे आर फिज़िकली ऑल्सो वेरी अब्यूसिव, ठीक है। आई से 100 में से 95% जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो फिज़िकल लेवल पे अब्यूज़ भी कर देते हैं, ठीक है। अगर उन्हें मौका मिले तो वो करेंगे भी, चार दीवारी के पीछे दे लुक फॉर वेज कि वो दूसरों को सप्रेस करें, दूसरों को वो हर्ट करें। इट्स लाइक तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो दे यूज वो ना अपने वो अपने रिश्तों का रिश्तों के आड़ में वो आपको अब्यूज़ करेंगे, सेम कि मैं बड़ा हूँ या मैं बड़ी हूँ, मैं कर सकता हूँ, आई एम योर फादर या आई एम योर मदर, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ, कर सकता हूँ, तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर कर सकता हूँ, पर हाथ उठा सकता हूँ, ठीक है, बट तुम नहीं कर सकते, ठीक है। सो इट्स लाइक वो कुछ भी करे इट्स ओके, पर आप कुछ करो तो आप बहुत बुरे हो, ठीक है ना। एंड इट बिकम्स समटाइम्स वेरी डिफ़िकल्ट अपने आप को एक्सप्लेन करना, अपने आप को वॉइस अप भी करना, बिकॉज चारों तरफ से लोग आपके अगेंस्ट ही वहाँ पर रहते हैं, एंड आप लिटरली अपने आप को अकेला पाते हो जहाँ पर आपको खुद ही फाइट करनी होती है और अपने आप को वहाँ से बाहर निकालना होता है। बट वट आई एम फीलिंग हियर इज़ कि ये जो लोग जो आपके अगेंस्ट थे, ठीक है, जो आपको गलत समझ रहे थे, आपको गलत तरीके से जज कर रहे थे, वो अब रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप कितने सही थे। दिस इज़ कम्प्लीटली अ नार्सिसिस्ट एम्पैथ डायनामिक, यू टर्न इन टू अ रिबेल। कई बार आई फील आप में से कुछ लोगों ने कुछ हैबिट्स को भी आपने प्रॉब्ली अडॉप्ट कर लिया था, शायद उन्होंने ही आपको वो आदतें लगाई थी, या फिर आप अपने एंजाइटी से रिकवर करने के लिए, अपने पेन को सप्रेस करने के लिए स्मोकिंग ड्रिंकिंग आपने पिक कर लिया था, प्रॉब्लम उन चीज़ों से अभी भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें आपको थोड़ी सी इफेक्ट करती है। आप उन एडिक्शन से अपने आप को मुक्त करने के लिए स्ट्रगल करते हो, ठीक है। आप में से कुछ लोग सोलमेट ट्विन फ्लेम्स आप लोग का है, ठीक है। नॉलेज भी रियल सबका नहीं होता है, जिनका है उनका है, ठीक है, उन्हें ऑलरेडी पता है। ये ज़बरदस्ती के कुछ ऐसे हम सबके चैनल पे ऑल ओवर द सोशल मीडिया ऐसे बहुत से टॉक्सिक लोग हैं जो ज़बरदस्ती अपने आप को ट्विन फ्लेम कहना चाहते हैं, अपने आप को जताना चाहते हैं कि यह हमारा सोलमेट कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन है। घंटा उन्हें दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट डिवाइन लव इज़, they do not even understand what love is, forget divine love, they don't understand। वो अपने आप से और दूसरों से सबसे झूठ बोलते रहते हैं, वो अपने पैरों पर खुलारी मार रहे हैं, to be honest, because they are ultimately living a lie। या आई फील कि आप बहुत पहले से मैच्योर हो चुके हो, आई फील आप वैसे भी इन लोगों के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा मैच्योर पहले से ही थे, एंड इट्स लाइक इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट इन लोगों से साथ कम्युनिकेट करना, बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि ये रीजनेबली कम्युनिकेट नहीं करते थे। दैट्स व्हाट नार्सिसिस्ट एंड एनर्जी वैम्पायर्स डू, देखो जिसके मन में चोर होता है वो बातों को घुमाएंगे, अवॉइड करेंगे, भाग जाएंगे, आपको दूर धकेल देंगे, आपको डराएंगे, आपको कहेंगे कि तुम चले जाओ, ठीक है, आप पर कोई झूठा आरोप लगाने की कोशिश करेंगे ताकि उनका सच बाहर ना निकले। सो दे डू ऑल दैट शिटी स्टफ, ठीक है ना। या बट देन यू हैव हील्ड और ऑलरेडी यू आर हीलिंग, ठीक है। प्रोसेस थोड़ा सा स्लो ज़रूर हो सकता है बट इट्स वेरी रिलीफिंग, ठीक है। दे सेम कि यहाँ पर कोई आपका नार्सिसिस्ट पुराने लोगों में से कोई है जो दोबारा आपको हूवर करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लव बम करने की कोशिश कर रहे हैं, आपसे दोबारा कांटेक्ट करने की वो कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। वो आपको ऐसे फील करा सकते हैं जैसे आपने कुछ उनका ले दिया है, जबकि प्रॉब्लम आपने कुछ भी नहीं लिया है, जो आपका है वो सिर्फ आपका है, ठीक है। बट दे जस्ट वॉन्ट टू मेक यू फील बैड एंड गिल्टी ताकि उन्हें एक जगह मिल सके, वो आपके वापस आपके एनर्जी में एंटर करना चाहते हैं, बट देन
अब ड्रीम स्टेट में भी उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है, ठीक है, दे आर बीइंग ब्लॉक्ड ताकि वो आपको साइकिक अटैक्स ना भेज सके। आई फील कि पहले से अब उनका जो भी स्पेल वर्क एंड साइकिक अटैक्स थे, उनके जो हूवरिंग्स थे, जो अटैक्स थे, अलग अलग नंबर से कॉल करना, सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करना, कहीं ना कहीं इन सब का जो असर है ना, आई एम नॉट सेइंग कि उन्होंने ये सब कुछ करना बंद कर दिया है, ठीक है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी ऑब्सेसिव एसोल पीपल, ये रुकते नहीं हैं, बट आई एम सेइंग कि इनका अब असर आपके ऊपर बहुत कम हो गया, विच टेल्स मी कि आप ऑलरेडी 95% ये फाइट ऑलरेडी जीत चुके, ठीक है। उनका जो ये प्लान था ना आपके सोल को ट्रैप करने का, आपको इस्तेमाल करने का, अपने उनका जो भी टॉक्सिक प्लान्स थे आपको यूज़ करने का, दे कैन नॉट डू दैट एनीमोर, ठीक है। यहाँ पर मेरे कुछ डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन है जो सेक्सुअली अब्यूज्ड हुए हैं इन नार्सिसिस्ट के हाथों, ठीक है, एंड यस दीज आर ट्रू सिचुएशंस, ठीक है। दे हेट द फैक्ट कि आपका कोई स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, दे जस्ट हेट इट, ठीक है। उनकी लाइफ इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, ठीक है, एंड उनकी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, पर समहाउ उन्हें लगता है कि आपके लाइफ को कंट्रोल करने से उन्हें किसी टाइप का सुकून मिलेगा, ठीक है। उनकी लाइफ इस वक्त बहुत बोझ जैसा फील हो रहा है बिकॉज वो अब किसी के ऊपर प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे, उनके आसपास के लोग भी अभी उन्हें छोड़ छोड़, उनके मिनियंस और उनके नेबलर्स भी अब उन्हें जो अब तक उनको सपोर्ट कर रहे थे वो भी अब परेशान होकर तंग होकर के उन्हें छोड़ छोड़ के जा रहे, कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, ठीक है। इट्स लाइक अगर वो कहते कि मैं जो कुछ भी करता हूँ या कर रही हूँ वो तो तुम्हारे लिए है, ठीक है, बट दिस पीपल आर लाइक नो वी आर नॉट आस्किंग टू डू एनीथिंग, बाबा तुम अपने जगह पे रहो एंड हम अपना कर लेंगे, लेट्स नॉट यू नो यहाँ पर बात को बढ़ाते नहीं है, ठीक है ना। दिस पीपल आर अवॉइडिंग दिस नार्सिसिस्ट राइट नाउ, ठीक है। देयर्स अ ब्रेकडाउन वाली सिचुएशन, लाइक ये नार्सिसिस्ट ऐसा है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत क्षीण हो चुकी है, बहुत कम हो चुकी है इसकी, इसे सप्लाईज नहीं मिल रहा है। इट्स मोर लाइक कि आप प्रॉब्ली ए ग्रेड सप्लाई थे, ठीक है, आपकी तरह सप्लाई उन्हें कहीं और मिलता नहीं है। ये नार्सिसिस्ट अंदर ही अंदर टूटे जा रहा है या टूटे जा रही है, ठीक है, ये सोच सोच के कि उन्हें आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, दे आर क्रेविंग योर एनर्जी, ठीक है। इसी नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना वो अंदर से खोखले होते हैं, उनके भीतर की जो खालीपन है ना वो अपने भीतर की खालीपन को खुद भरने के जगह, ठीक है, वो दूसरों से एनर्जी अब्जॉर्ब करते हैं, सो दे क्रेविंग योर एनर्जी। ये जो क्रेविंग उन्हें हो रही है ना ये आपकी एनर्जी की हो रही है कि वो आपसे बस एक वैम्पायर की तरह वो सारी एनर्जी आपसे सक इन कर लेना चाहते हैं, ठीक है, पर उन्हें मिल नहीं रहा है, दे आर नॉट अलाउड। आप सुपर तरीके से आपको इस वक्त यू नो प्रोटेक्ट किया जा रहा है एंड ये प्रोटेक्शन रहेगी हमेशा, सो क्योंकि उन्हें एक्सेस नहीं मिल रहा है, नाउ दिस पर्सन इज कोलैप्सिंग अंडर, ये पूरा कोलैप्स कर रहा है, ठीक है ना। इट्स लाइक उसके आसपास चाहे माहौल कैसा भी हो वो अंदर ही अंदर कोलैप्स कर रहा है, उसका पूरा सिस्टम ब्रेक डाउन हो रहा है। दिस पर्सन इज ऑल्सो बींग अटैक्ड ऑन द स्पिरिट रेल, लाइक इसकी जो डीमंस है ना ये भी उन्हें परेशान करे। पर स्पिरिट रेल में आप लोग के जो एंसेस्टर्स हैं, जो एंजल गाइड्स हैं, ये लोग हमेशा तैनात रहते हैं कि अगर ये एक कदम भी आपके तरफ बढ़ाया ना तो इसको हम नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। और इसके जो डीमंस है उसी को अटैक कर रहे हैं क्योंकि ये जो टॉक्सिक एनर्जी है, ये जो नकारात्मक शक्ति है, उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है कि वो किसको अपना शिकार बना रहे, वो शिकार बनाना चाहते हैं, ठीक है। ये नार्सिसिस्ट पर अब सवाल उंगलियां उठ रही है, ठीक है। इट्स लाइक इट्स काइंड ऑफ बीइंग प्रूवन कि उन्होंने अब तक जो इल्ज़ाम आप पर लगाए थे
वो झूठे साबित हो रहे हैं, ठीक है ना। सो अब उंगलियां ऐसे टर्न करके आपसे उनके तरफ मूव हो गया कि ये तो प्रूव हो गया कि दिस इज़ अ गुड पर्सन, कि जानेट येन अच्छे हैं, ठीक है, कि आपने जो कहा था कि उससे होगा नहीं, या वो उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है, या वो मेंटली डिस्टर्ब है, दिस एंड दैट, पर ये तो और विद टाइम प्रूव हो चुका है कि आपने जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ है, वो ऐसा है ही नहीं जैसे आप जताने की कोशिश करते आए हो, ठीक है। जो इल्ज़ाम आपने लगाया वो पूरा बेसलेस है, उसके कोई सबूत भी नहीं है, ठीक है। आपने उसके रेपुटेशन को ख़राब किया है, आपने लोगों को उसके अगेंस्ट कर दिया, ठीक है, और लोग भी इडियट्स की तरह बिना क्रॉस चेक किए, ठीक है, आपके बातों को सुन करके हम सब ने मिलकर उसके साथ नाइंसाफी की, उसके साथ बदतमीजी की, उसे कॉर्नर कर दिया, बट नाउ इट्स बीइंग प्रूविंग दैट दिस इज़ अ गुड पर्सन, ये बंदा या बंदी एक्चुअली में बहुत अच्छी है, ये अच्छा है, दिस इज़ अ गुड सोल, ठीक है। तो इसका मतलब गलत आप हो, इसका मतलब ये सारी चीज़ें आपने किया था एंड इल्ज़ाम आपने उस पर डाल दिया, आपने अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, ठीक है, आपने एक फॉल्स इमेज बनाए रखा हुआ था, पीठ पीछे आप इतने सारे गलत काम कर रहे थे अपने ही फैमिली मेम्बर के साथ, एंड यू आर जस्ट प्रिटेंडिंग टू बी अ गुड पर्सन व्हेन यू आर नॉट, आपने एक इमेज होल्ड करके रखा हुआ था जबकि पीठ पीछे आप ये सारी चीज़ें कर रहे थे। आई एम हियरिंग एनिमल सेक्रीफाइस, तो ये पर्सन एनिमल सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, लोगों को दिखावा करने के लिए ये बेजुबान जानवरों को बलि चढ़ाते हैं। सैक्रिफाइस करना मतलब बलि चढ़ाना होता है। या दे वांट टू फाइट विथ यू, ठीक है, बट दे कांट, क्योंकि वो आप तक पहुंच नहीं सकते, उनके आसपास वाले उन्हें अबैंडन कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, सारी उंगली अब उनकी तरफ उठ रही है। इनका जो बिहेवियर है ना, खुद पागलपंती करके दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना, जानबूझ के लोगों को गैसलाइट करना, उनकी इनसिक्योरिटीज़ को कुरेदना, उनके नॉट इनसिक्योरिटीज इज मोर लाइक उनके ज़ख्मों को कुरेद के उन्हें इमोशंस को बाहर निकाल करके ये प्रूव करने की कोशिश करना कि देखो कितना सेंसिटिव है, कितना ओवर रिएक्टिव है, ये सारी चीज़ें ये लोग देख पा रहे हैं कि ये पर्सन कितना प्रोवोकिंग है और वो जानबूझ के लोगों को कैसे मैनिपुलेट करते हैं। ये दिस वॉज योर कार्मिक्स, वेरी मैनिपुलेटिव, ये कोविड नार्सिसिस्ट हो सकता है बाय द एनर्जी आई एम सीइंग। Give me one closing message, please. You have a very bright future. इन सब के पागलबंदी के बाद भी, because आप एक evolved soul हो, ठीक है, आप अपने life को अपने आप को healthy कर रहे हो, like आप recover कर रहे हो और अपने आप को एक spiritual connection के लिए आप तैयार कर रहे हो automatically in future, ठीक है, आपके लाइफ में एक इवॉल्व सोल ही एंटर करेंगे जिसके साथ आप ये 10 of Cups इंजॉय कर पाओगे, ठीक है। पास में अगर आपकी शादी भी हुई थी किसी नार्सिसिस्ट के साथ, ठीक है, एंड आपके बच्चे नहीं हो रहे थे उस पर्सन के साथ, आप देखोगे जब आप नए आपके ऊपर ही इल्ज़ाम उन्होंने लगाया होगा कि शायद आप में ही कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पर कोई है जैसे जो डिस्कवर करोगे कि आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दिया जा रहा था ताकि आप बेबी कंसीव ना कर सको और सारे इल्ज़ाम वो आपके ऊपर डाल सके, लाइक वो आपको लिटरली लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ओवर टाइम लेने से एक्चुअली हमारी जो कोक होता है ना वो डैमेज्ड हो जाता है और बेबी कंसीव नहीं कर सकते।
तो यहाँ पर किसी ने डेलिब्रेटली आपको कोई मेडिसिन दिया है जिससे आप बेबी कंसीव ना कर सको, और आप इस चीज़ को भी डिस्कवर करोगे कि एक्चुअली इन लोगों से हटने के बाद या इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने के बाद जो नया पर्सन एंटर करेगा ना, बाय दैट टाइम योर पूरा आपका पूरा बॉडी हील हो चुका होगा ना, आप एक्चुअली बेबी कंसीव कर पाओगे। यहाँ पर दो बेबीज है, सो आई वुड से एटलीस्ट वन बेबी तो आप कंसीव कर ही पाओगे अगर आप कंसीविंग एज में हो तो। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।